जी बच्चों, सबक पढ़ने से पहले हम इसके अहम अल्फाज पढ़ेंगे। सबक का नाम पढ़िए मेरे साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की प्यारी आदा। ठीक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की प्यारी आदा। ठीक, अहम मुश्किल अल्फाज। अहम इसलिए बोला कि ये पढ़ना जरूरी है, अहम है, इसलिए हमने इनको पढ़ना है सबक से पहले। अगर हमें ये अच्छी तरह पढ़ने आएंगे तो सबक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। पहले हम इन्हें पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके मायने बताऊंगी। इंसानियत, शहीद, शफीक, यतीमों, तस्लीम, मिलनसार, मेहरबान, मेहमान नवाजी, मुमताज, अयादत, घोंसले, तामीर, अमानतें। दोबारा पढ़ लीजिए। इंसानियत, शहीद, शफीक, यतीमों, तस्लीम, मिलनसार, मेहरबान, मेहमान नवाजी, मुमताज, अयादत, घोंसले, तामीर, अमानतें। इंसानियत का मतलब है तमाम इंसान, पूरी दुनिया के जिस तरह तमाम इंसान। शहीद, शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में मर जाए, मतलब जिहाद करते हुए, जंग लड़ते हुए। शफीक का मतलब है मेहरबान, मोहब्बत करने वाला, रहमदिल। यतीमों, यतीम की जमा है यतीमों। और यतीम किसे कहते हैं बच्चों? यतीम उसको कहते हैं जिसके अम्मी बाबा नहीं होते, फौत हो चुके होते हैं, अल्लाह ताला के पास चले गए होते हैं। तस्लीम, तस्लीम का मतलब है मान लेना, किसी की बात को मान लेना। मिलनसार यानी ये कि दूसरों से मोहब्बत से, शफकत से मिलने वाला, अच्छी तरह जो हम किसी से मिलते हैं ना, प्यार से, मोहब्बत से, उसे कहते हैं मिलनसार। मेहरबान, मेहरबान का मतलब है बहुत रहम करने वाला, करम करने वाला। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, मेहमान के लफ्ज से तो आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे आपके घर मेहमान आते हैं। मेहमान नवाजी का मतलब है जब आपके घर जैसे मेहमान आए तो आप उनसे अच्छी तरह मिलें, उनकी खातिर मदारत करें। जिस तरह आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो फिर आप उनको चाय, शरबत या खाने का टाइम है, खाने के लिए पूछते हैं, अच्छी तरह से मिलते हैं। मुमताज, मुमताज का मतलब है सबसे अलग, कुछ अच्छा नजर आना। अयादत, अयादत कहते हैं किसी बीमार को देखने जाना, उसकी खैरियत पूछने जाना। घोंसले, ये घोंसला की जमा है और सबको पता है कि घोंसला क्या होता है, क्या होता है, जिसमें चिड़िया या परिंदे रहते हैं, उनका जो घर होता है उसको घोंसला कहते हैं। तामील, तामील का माने हैं किसी का हुक्म मान लेना, बात मान लेना। अमानतें, ये अमानत की जमा है। और अमानत क्या है? जिस तरह हम अपनी चीज किसी के पास रखवाएंगे, इसको हिफाजत से रखें और फिर वो हिफाजत से रखें और फिर हमें वापस उसी तरह से लौटा दें जैसे हमने उनको दी थी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको? ठीक,